हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो मॉर्निंग का बज रहा है तकरीबन 6, मतलब बजा नहीं है, बजने वाला है 6, और हम लोग हो गए हैं रेडी। कल ही वाले कपड़े पहने हैं क्योंकि आज हम लोगों को वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है, तो इसलिए कपड़े जो है ना वो भीग जाएंगे, तो साथ में ले करके जा रहे हैं। तो ज़रूरत तो हम लोग वहीं चेंज करेंगे, तो इसलिए मैं तो रेडी हो गई हूँ। ये बस रेडी हो रहे हैं और बाहर का व्यू देखिए, आप धूप खिल चुकी है, और धूप जब खिलती है ना तो पहाड़ों पे बर्फ जो है ना एकदम चमकती है, वाइट वाइट, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आपको एक बार बैक कैमरे से आज मॉर्निंग का व्यू दिखा देते हैं। तो ये है हमारी विंडो, और विंडो से ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वो देखिए पहाड़ पे धूप खिल गई है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। जहाँ धूप नहीं आई है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, जितने भी धूप आ गई है वो एकदम येलो येलो वाइट दिख रहा है। तो ये है आज का मौसम। यहाँ धूप जो है ना जल्दी खिल जाती है, तकरीबन 4:30 या 4:45 के आसपास धूप दिखने लगती है। ये देखिए तो ये यहाँ का व्यू, ये छोटा सा एक गांव है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं होम स्टे के लिए। बहुत सुंदर गांव है, लोग अपनी दिनचर्या में लग चुके हैं, मॉर्निंग है और हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए आपको बाहर चल करके व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हवा जो है ना सुबह से ही चल रही थी, इस चक्कर में मैं गई नहीं एकदम मॉर्निंग में, लेकिन हवा बंद ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ एकदम बाहर से व्यू। तो ये देखिए एकदम ओपन है, जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर आई एकदम खुला है घर, उसके बाद में फिर मैं अंदर आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। देखिए एकदम जो वहाँ पे फ्लैग लगे थे ये देखिए कैसे तेज़ी से हिल रहे हैं, और रात भर मतलब ठंडी हवा चलती रहती है। रात को तो टेम्परेचर जो है ना वो माइनस में चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रात को ठंडा हो जाता है ये इलाका। और जब बर्फ़ पड़ती है ना, यानी कि हम लोगों के यहाँ जब सर्दियों का मौसम होता है तो ये पूरा जो इलाका है ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, तो ये लोग जो है ना अपने दूसरे घर में चले जाते हैं। इनका एक दूसरा घर भी है जो कि नीचे साइड में है थोड़ा सा, तो वहाँ चले जाते हैं ठंडियों में 2-3 महीने के लिए। उसके बाद ये लोग फिर से अपना यहाँ आ जाते हैं, अपना काम वगैरह देखते हैं। और यहाँ देखिए ये पर्दे जो है ना इस पे हाथ से कढ़ाई हुई है, इसमें अलग अलग तरह के चित्र बने हैं। मैं तो समझ नहीं पा रही वहीं के कुछ अपना इनका ट्रेडिशनल होगा पर्दा, ऐसे पर्दे अपने यहाँ तो मिलते नहीं है, तो ये वहाँ लगे थे तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया। ये और फ्रेंड ये बस होने अपना जा रहे हैं, ब्रश वगैरह रेडी कर हो चुके रहे हैं, हैं, बस इनको बस कपड़े काम पहनने निकल बाकी हैं, जाएंगे बाकी यहाँ सब से। रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो चुकी। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, कल वाले ही कपड़े पहने हैं, ठंड काफी ज्यादा है बाहर ना।
वो खींचेगा कहाँ आ रहा है। वो पहाड़ी पहाड़ी, हाँ हाँ और यहाँ हम लोग आ गए थे अटल टनल पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने, वीडियोस बनाने। और मॉर्निंग का टाइम था तो इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम लोग करना था ज़िप लाइन, जो कि एक्टिविटीज़ थी हमारे शामिल थी, तो वो करनी थी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं तो इसके लिए, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, झूठ की बोलूँगी, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था पर एक्साइटेड भी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूरी थी थोड़ी सी। और बीच में जो है ना बहुत तेज़ी से नदी बह रही है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर से, मतलब एक तरफ से आपको जाना है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो उससे जो है ना आप फिर नीचे मतलब बैक आएंगे दोबारा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ये लगी हुई हैं, तो ये पहना रहे हैं यहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं, ये आपको खुद ही पहनाते हैं ये, फिर आपको अटैच करके जो मतलब तार होता है उसमें अटैच कर देते हैं, उसके बाद आप आराम से स्लाइड करते हैं। ये कपल वाला था, मतलब कपल करेंगे साथ में। उसके बाद हम लोग आ गए थे चाय वगैरह पीने के लिए, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा अनार के पेड़ वहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ पे भैया फ़ोन देख रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया इनका छोटा सा। और ये देखिए नदी सब सूखी हुई है, पता नहीं यहाँ पे जो है ना पानी नहीं था, सूखा था। उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, फिर हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी राफ्टिंग। राफ्टिंग का वीडियो जो है ना मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि राफ्टिंग का छोटा सा क्लिप डालूंगी ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, पूरी क्लिप मैं डालूंगी, वो भी बिना उसमें कोई म्यूज़िक ऐड किए, ओरिजिनल जो वॉइस थी उसमें डालूंगी, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए थोड़ा सा। और यहाँ पे ज़िप लाइन का थोड़ा सा ये रिकॉर्ड हो पाया था, हम लोगों का सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन अगर फिर कभी अगर हम लोग ये करेंगे तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, अच्छे से आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ज़िपलाइन होती है कपल वाली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी, जो कि हम लोगों ने नहीं की थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये हवा पे पूरा डिपेंड करता है, अगर हवा ज़रा सी भी इधर उधर हुई तो कभी कभी पेड़ में भी ये अटक जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वैसे रिस्की तो हर एक्टिविटीज़ रहती है, पर थोड़ा सा रिस्क भी कभी कभी लेना चाहिए ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी है, खुल के जीना चाहिए, मेरा मानना तो यह है। तो राफ्टिंग के लिए यहाँ पे देखिए ये लोग अपने बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद राफ्टिंग का वीडियो तो मैं आपको दिखाई दूँगी। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए, मिलती हूँ मैं आपसे। रास्ते में हम लोगों को थोड़ा सा भूख लग गई थी, तो हम लोग लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे। रेस्टोरेंट से व्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा पुल बना हुआ था, दूसरी तरफ गांव था वहाँ से आने जाने के लिए। और ये एक पुल शायद पुराना वाला ये टूट गया था, उसके बाद ये नया वाला बना है जो कि ये वाला है। और नदी का फ्लो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज था। मैंने यहाँ एक चीज़ देखी, यहाँ जो है ना अनार के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, ढेर सारी, ये आप देख रहे हैं ना जितने ये ऑरेंज कलर के फूल हैं ये सब अनार के पेड़ ही हैं, और जब काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में। सब लोग बैठे थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे राफ्टिंग के बाद में। हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मेरी तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं लग रही थी मुझे, तो थोड़ा सा हम लोगों ने खाना पीना किया, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपना नेक्स्ट जहाँ हमको जाना था। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं आराम से, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये रेस्टोरेंट जो है ना ये एक तरफ को झुका हुआ लग रहा था, जब मैं अंदर आई ना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है ना ऐसा लग रहा था गिर पड़ेंगे। तो बाद में जब बाहर निकली ना तो मैंने ध्यान दिया पूरी बिल्डिंग जो है ना ये एक तरफ को झुकी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था देखने में। अगर कभी गिरेगा ना तो वो नदी की तरफ ही ये पूरा गिरेगा इस तरह से।
बनाया गया है। उसके बाद हम लोग आ गए थे नामकरण साहिब गुरुद्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुकून भरी जगह मुझे लगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के। यहाँ पे जो नदी का फ्लो है ये आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी जो कि आप लोग देख सकते हैं, और सुना दूंगी मैं आवाज़ कहीं पे, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और जिस पुल पे मैं खड़ी थी ना पिछले साल, यानी कि जुलाई में जो है ना, ये पुल जो है ना टूट गया था, ये दोबारा से बना है, यानी कि इस पुल को छू रही थी ये नदी, इतना ज़्यादा फ्लो इसमें आ जाता है। बरसात के दिनों में शायद आता होगा, तब की बात है। यहाँ पे देखिए गर्म पानी निकल रहा है, नेचुरल है एकदम, गर्म पानी निकलता है, उसमें जो है ना अंदर चावल वगैरह जब पकाया जाता है, उसको प्रसाद के रूप में सब लोगों को खिलाते हैं जो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मॉर्निंग तो हो चुकी है, 6 बज रहा है तकरीबन, और हम लोगों को रेडी होके फिर निकलना है धर्मशाला के लिए। आज हम लोग वहीं रुकेंगे और कल फिर धर्मशाला घूमेंगे। रात को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल मैंने नहीं किया है कभी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ट्रैवल में, तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है। और रूम काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद मैं फिर आपको रूम टूर दूंगी इसका। मुझे तो काफ़ी अच्छा रूम लगा है, साफ़ सफाई है और व्यू भी बहुत अच्छा यहाँ से दिखने को मिल रहा है रूम से। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था, यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे और एकदम हरियाली थी। काफ़ी ज़्यादा सुकून लगता है ऐसी जगह पे, जहाँ पे सुबह सुबह उठ के आपको हरा भरा एकदम देखने को मिले, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो जहाँ मेरा घर है तो वहाँ भी काफ़ी हरा भरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी घर नहीं बन रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो कर देते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।